हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, ठीक है। और जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से एंजॉय किया आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस समझा नहीं बल्कि फील किया, और वैसे ही अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से फील करके एकदम डीपली जाके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन गलत करके क्वेश्चन के हिसाब से रिलेट करके, मतलब क्या ही बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फील जो होता है वो फील फैक्टर आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, कंसेप्ट कभी जबरदस्त तरीके से सीखने को मिल रहा है, डेवलप करने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं, लास्ट सीरीज है, इसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द एंड होने वाला है, यानी टट्टा बाय बाय खत्म, है ना, टट्टा बाय बाय खत्म, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका खत्म होने वाला है इस लेक्चर के बाद। इसको मैंने एक लेक्चर में ही शॉर्ट लेने की सोचा था, लेकिन काफी लंबा हो जाता है ना, फिर बच्चे थोड़ा बोर होने लग जाते, उदास हो जाते मेरे से, इसलिए इसको पार्ट टू, दो पार्ट में मैंने इसको तोड़ दिया है ताकि आपको काफी देखने में इजी लगे और बोरियत फील भी ना हो। तो हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है आपके इस अद्वैत एडुकेशन के चैनल पे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। हम परेशानी झेलने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कोई सा भी परेशानी देने के लिए हम तैयार नहीं है। चाहे वो इंप्रूवमेंट एग्जाम हो, चाहे वो आपका मेन एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में अगर कोई साथ दे रहा है, रेगुलर बेसिस पर अगर वीडियो अपलोड कर रहा है, तो ओनली वन चैनल, वो है आपका अद्वैत एडुकेशन। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे। और इस लेक्चर के बाद मेरे तरफ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द एंड हो जाएगा, चाहे वो कांसेप्ट वाइज हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज हो, या फिर किसी भी वाइज देखेंगे आप, मेरे तरफ से द एंड होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेक्चर नंबर 14 जो आपका लास्ट लेक्चर रह जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन फिर भी आपको किसी भी एक पॉइंट में, किसी भी एक टॉपिक में अगर डाउट रह जाता है, छोटा छोटा भी डाउट रह जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एंड में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपना डाउट वहां पुट कर सकते हैं। आपका डाउट सॉल्व करके मुझे बहुत खुशी होगी और पूरा अद्वैत एडुकेशन का टीम आपके इस डाउट सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आपकी और मेरी मुलाकात, हेलो, अगर पहली बार है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि हर एक अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए चले देखते हैं कि इस लेक्चर में अपन क्या डील करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा है क्लास 10th मैथ्स, लेक्चर नंबर है आपका 14, चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉपिक है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस टर्म 1 एंड पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 मैंने पिछले लेक्चर नंबर 13 में दे दिया है, पार्ट 2 आपका है जो अपन इसमें डील करेंगे, है ना। और इसमें भी आपको अराउंड 27-28 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, है ना। तो काफी अच्छे से डील होने वाला है, काफी जबरदस्त तरीके से हर एक क्वेश्चन को काफी डीपली ले जाके सॉल्व करेंगे, काफी अच्छे से उसका कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आपने मेरे अद्वैत एडुकेशन के चैनल पर, जो आपका अद्वैत एडुकेशन का चैनल है, उस पर अगर मेरे लेक्चर को, अगर आपने क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, अगर आपने सही तरीके से, सही कंसेप्ट से जो मैंने सिखाया अगर वैसा सीख लिया है, तो यानी आपने अपने बोर्ड एग्जाम में, आपने अपने बोर्ड एग्जाम में बेटा 18-19 मार्क्स, 20 मार्क्स तक भी बोल सकता हूं कि सिक्योर कर लिया है। इससे कम आपका नहीं पूछा जाता है तीनों चैप्टर मिला के, ठीक है। तो यानी 1/4 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिया है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर इस चैप्टर को आपने काफी अच्छे से डील किया है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, वैसे आपने अगर पढ़ा है, वैसे ही आपने समझा है, हर एक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, बस आपने लेक्चर को फॉलो किया है, तो इतने नंबर तो कहीं जाने से नहीं रहे, ठीक है। तो आज अपन पार्ट 2 देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का। मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एडुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील करता हूं, और बल्कि डील नहीं बल्कि फील कराता हूं आप सभी को, काफी अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कराना ये मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज निभाता हूं, काफी इंजॉय करता हूं अपने चीजों को, ठीक है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी अच्छे से मैं निभाता हूं, वैसे मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को काफी अच्छे से निभाएं, काफी अच्छे से अपना कर्तव्य को करें, ठीक है। अगर आप देखो सपना बड़ा है, ड्रीम बड़ी है, तो बेटा संघर्ष भी बड़ा होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जितनी बड़ी ड्रीम होगी आपकी, उतना ही बड़ा आपका संघर्ष, उसके पीछे मेहनत, उसके पीछे लेवर लगने वाला है जो आप करेंगे, ठीक है ना, अगर आपको अपने ड्रीम को पूरा करना है तो,
ठीक है, अगर नहीं करना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो जिस दिन आपने स्टडी स्टार्ट किया था वो किस लिए किया था, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को सोचो, अपनी फादर की, फादर क्या चाहते हैं, आपके मदर क्या चाहती हैं, आपके घर वाले क्या चाहते हैं, आपकी फैमिली क्या चाहती है, उसके बारे में सोचो। कि आज अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, आज अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके फैमिली पे क्या, आपके पापा का क्या सपना है, कि तू पैसे कमा के देगा? नहीं, कभी नहीं। पैसे की लालच नहीं है, फैमिली को कभी भी पैसे की लालच नहीं रहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे को पैसे कमा के देगी तो मेरे दूध और रोटी और नून और पानी और चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो नाम के लिए जीते हैं, बस इसके लिए कि मेरा मेरा मैं किसी से बोल सकूं, आपके फादर कहीं बोल सके कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा टीचर है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा पायलट। बहुत सारे ड्रीम जो लेके आप उनको दिखाते हो कि पापा मैं ये बनूंगा, पापा मम्मी मैं ये बनूंगी, तो ये सारे ड्रीम को लेके वो सोचते हैं, उसमें वो जीना चालू कर देते हैं, आपकी लाइफ को अपने लाइफ में जीना का चालू कर देते हैं। तो बेटा हमेशा जब भी ये ड्रीम टूटे ना, बस उनके बारे में सोच लेना कि पापा आगे वाले को क्या बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बनने चला था, मैं इंजीनियर बनने चला था, मैं पायलट बनने चला था, मैं डांसर बनने चला था, लेकिन आज मेरा ड्रीम टूट रहा है। यानी आपका ड्रीम नहीं, आप अपने गार्जियन के, अपनी फैमिली के ड्रीम को तोड़ रहे हो। तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। किसी को धोखा देना बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है, ठीक है। कभी भी ये मन में नहीं लाना चाहिए कि उसको मैं धोखा दूंगा या धोखा दूंगी। और तुम फैमिली को धोखा दोगे तो तुम फैमिली को धोखा नहीं दे रहे हो, एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारा भी एज ढल जाएगा और तुम अपने आप को धोखा दे रहे थे, तुम किसी को भी धोखा नहीं दे रहे थे। आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूं, आज मैं आपको डील कराता हूं। अगर मैं अपने पिछले बैकग्राउंड के बारे में बताऊं कि मैं किस टाइप का स्टूडेंट था, तो आप भी हैरान रह जाओगे। और किसी दिन ये चर्चा जरूर होगी कि मैं किस टाइप का स्टूडेंट रहा हूं, क्योंकि ऐसे माइंड में बहुत सारे स्टूडेंट का भरा पड़ा रहता है कि सर आते हैं स्टेज पे खड़े होते हैं, इतना अच्छे से मैथ्स को डील करते हैं, इतना अच्छे से हमें समझाते हैं, तो सर तो बहुत बड़े टॉपर रहे होंगे अपने क्लास का। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं टॉपर नहीं था, नामी एवरेज स्टूडेंट था। किस टाइप का स्टूडेंट था, कितना संघर्ष झेला है, वो सारी बातें मैं यहां पे करूंगा। और अभी भी कितना झेल रहे हैं अपन, अभी भी उसकी भी बातें बहुत अच्छी तरीके से करूंगा, ठीक है। तो एक इस पे मैंने लाइन लिखा था कि क्यों ना गुरूर करूं अपने आप पे, क्यों ना गुरूर करूं अपने आप पे। क्या बात है सर, क्यों ना गुरूर करूं अपने आप पे, मुझे उसने चाहा जिसके चाहने वाले लाखों थे, जिसके चाहने वाले लाखों थे। थैंक यू सो मच डांडे सर कि आपने मुझे पसंद किया, आपने मुझे चाहा और आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है। तो उनके चाहने वाले तो लाखों हैं, लेकिन उसने मेरे को चाहा तो मेरे को, मैं अपने आप पे गुरूर क्यों ना करूं भाई, क्यों ना करूं, क्यों ना करूं इस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए, यहां पे पहुंचने के लिए। ना जाने कितने लोग संघर्ष अभी कर रहे हैं और अभी कर रहे होंगे, लेकिन मेरे को यह प्लेटफॉर्म मिला है, थैंक यू सो मच। और मेरा ये पैशन है, मैं कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं, बहुत कम लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं ना जिनको उनके चाहने वाला काम मिलता है, जिसे वो पसंद करते हैं वो काम मिलता है, बहुत कम, बहुत कम। अगर इंडिया में ढूंढोगे तो बेटा 100% में से ऐसे 5% भी व्यक्ति मिल जाएंगे जो वो चाहते होंगे उनको वो काम मिलता है, नहीं तो बाकी सारे लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, सारे लोग अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। और बहुत ऐसे कम फैमिली होती है जो आपको आपकी ड्रीम पाने के लिए आज्ञा अनुमति देती है, जिसको आप इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हो, मैं इंग्लिश वाला वर्ड मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, आज्ञा, आज्ञा मतलब हां बोलती है। बहुत ऐसी फैमिली है जिसको जिसको अगर घर में कोई लड़की है वो डांसर बनना चाहती है, डांस में जाना चाहती है, तो नहीं जाने देते हैं, अरे मेरी बेटी नाचेगी, ऐसे सोचते हैं। तो आपको अगर वो चीज मिला है, अगर आपको वो चीज मिला है, अगर उसे आप पसंद करते हो और वो आपका पैशन है और आप उस वर्क को कर रहे हो, उसके पैसे अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपके जैसा नसीब वाला दुनिया में कोई है नहीं। ये बात मेरी विश्वास करना, इस बात को बिलीव करना मेरे बात पे, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत गार्जियन, ऐसे बहुत लोग हैं मेरे लाल जो अपनी बस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, उनको वो वर्क मिला ही नहीं जो वर्क वो चाहते थे, ठीक है। तो अगर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो आपने आज को, आज प्रेजेंट को सिक्योर कर लो, फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाएगा। और अद्वैत एडुकेशन इसी में जुड़ा हुआ है, इसी में लगा हुआ है कि आपके फ्यूचर को काफी अच्छे से सिक्योर किया जाए, काफी अच्छे से फ्यूचर को ब्राइट किया जाए, ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई है ना, मोटिवेशन भी हो गया, शायर भी हो गया, और अभी शायर की मतलब शायराना मिजाज है, तो जाते जाते इस एंड करेंगे इस चैप्टर को शायर के, काफी सारे शायरों के साथ, काफी सारे लाइनों के साथ, काफी सारे मोहब्बत के साथ, काफी सारे इबादत के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आ जाइए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन,
केबीसी का पैसा मिलेगा क्या? पैसा नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। देखो यहां पे आ जाओ, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने पिछले लेक्चर में कर लिया था, 28 से यहां पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 28 नंबर से यहां पे अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चला आइए देखिए भैया, पहला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ए रूट, इफ द सम ऑफ ए रूट ऑफ दिस ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3k इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ ए के इज वॉट, देन द वैल्यू ऑफ ए के इज वॉट। क्या बोला जा रहा है यहां पर ध्यान से समझिएगा कि इस इक्वेशन का भैया जो सम ऑफ रूट है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, सॉरी पता नहीं आंख में क्या डल गया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन का भैया जो सम ऑफ रूट है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या है, आपस में सेम है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो बोला जा रहा है के की वैल्यू बताइए कि क्या होगा, यानी सम ऑफ रूट। तो मैं मान लेता हूं आपको जो इक्वेशन गिवन है के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, सॉरी प्लस का 2x है ना, प्लस का 2x और प्लस का 3k इज इक्वल टू 0। मैं मान लेता हूं इसके दो रूट्स होंगे, क्यों सर? क्योंकि सर इसके HD 2 है, तो भैया एक रूट को मैं मान लेता हूं अल्फा, दूसरे को मान लेता हूं बीटा, ठीक है। अब बोल रहा है कि सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा ये किसका इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। यही बोला जा रहा है ना भैया कि इफ द सम ऑफ ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो भैया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए के बराबर। तो माइनस का बी बटे ए लिखे तो माइनस का 2 अपॉन में ए के बराबर, और भैया सी बटे ए लिखे यानी 3k अपॉन में के बराबर। के से के काट दो, तो यहां से के की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो के की वैल्यू क्या देगी, के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3। के इज इक्वल टू माइनस का 2/3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है, एकदम क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा गया उस पर ध्यान दो। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, क्या गिवन है क्या गिवन है, घंटा उखाड़ लोगे गिवन लेके, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है बकलोल आदमी। कभी भी मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी ये मत देखो कि क्या गिवन है, आप ये देखो कि हमसे क्या पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसको निकालने के सर ने क्या कंसेप्ट बताए हैं, बस इतना जो सोच लिया वो कर लिया, इतना जो सोच लिया वो भैया कर लिया, समझ गए। तो आपको क्या हमेशा देखना मेरे लाल, हमेशा याद रखना मेरे लालू, मेरे बाबू, मेरे पुच्चू गुच्चू जो भी हो, है ना, हमेशा याद रखना कि भैया क्या गिवन नहीं है, क्या पूछा है, और वो पूछा है तो उस निकालने के उसके कितने तरीके बताए गए हैं, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे, और उसके करने के तरीके आपको कराते हुए चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए और समझिए और देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इफ ए वन रूट ऑफ ए 5x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का k इज इक्वल टू 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ ए अदर रूट, रेसिप्रोकल ऑफ ए अदर रूट। बोल रहा है कि एक रूट दूसरे रूट का क्या है भैया, रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है, ठीक है, ओके सर। देन द वैल्यू ऑफ ए के इज व्हाट, देन वैल्यू ऑफ ए के की वैल्यू फिर बताइए क्या होगा। भैया एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, ये कैसे बोला सर, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता, उल्टा। तो भैया मैं मान लेता हूं कि एक रूट इसका अल्फा है, आपको इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का k इज इक्वल, सॉरी प्लस का आपका k इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो बोला कि एक रूट अगर इसका अल्फा है, आप लेट कर रहे हो कि लेट फर्स्ट रूट अगर इसका अल्फा है तो सेकंड वाला 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया के की वैल्यू निकालनी है, और के कहां है, कांस्टेंट में है, तो भैया प्रोडक्ट ऑफ 0 का रिलेशन लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू आपका 1/अल्फा, और ये किसके बराबर होता है, सी बटे ए के बराबर, और अल्फा इंटू अल्फा 1/अल्फा इज इक्वल टू सी कितना है, के बराबर, और ए कितना है, 5 के बराबर। अल्फा से अल्फा कट गया तो 5 इज इक्वल टू के बराबर, तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आइए, 30 नंबर देखिए, द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ए ईच अदर, अच्छा ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, या सी इज इक्वल टू ए, या फिर नन ऑफ दिस। क्या बोला जा रहा है कि द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। तो बताइए ये
रेसिप्रोकल कब होगा, जब भैया a इज इक्वल टू b होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x होगा, या फिर सर b इज इक्वल टू c, या कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म होगा, या फिर सर c इज इक्वल टू a, c इज इक्वल टू a कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बी एक्स प्लस का आपका सी इज इक्वल टू जीरो के बराबर। बोल रहे एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मैं मान लेता हूं पहला रूट आपका अल्फा था, दूसरा क्या हो जाएगा वन बाई अल्फा के बराबर, ठीक है ना। तो भैया ये आपस में रेसिप्रोकल कब होगा, जब भैया अल्फा इंटू का वन बाई अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखूं तो ये क्या होता है सी बटे ए के बराबर। तो भैया ये तो कट जाएगा अगर रेसिप्रोकल होगा तो वन इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर, तो सी इज इक्वल टू ए के बराबर। जब कॉन्स्टेंट टर्म और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब कॉन्स्टेंट टर्म और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपस में अगर इक्वल होंगे, तभी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ध्यान से समझना कि जब भी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपस में इक्वल होते हैं, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है बेटा आपस में कैसा होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है, यानी आपस में उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहां पे भी देख लीजिए, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था के की वैल्यू 5 आ गई थी, यहां पे क्या था 5x स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 5 था और यहां पे भी आपका क्या है 5। तो हमेशा यह बात याद रखना कहीं पे भी कि अगर कहीं से रूट पूछा जाए और देखना कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपस में इक्वल है, तो एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा रूट अपने आप 1 बाई अल्फा हो जाएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। यानी सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज इक्वल टू ए के बराबर। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल, देन सी इज व्हाट, देन सी इज व्हाट। अच्छा, क्या बोल रहा है कि द रूट ऑफ इक्वेशन, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आपस में इक्वल होते हैं तो भैया बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन शायद कर चुका हूं मैं पहले, लेकिन ठीक है आ जाओ फिर से आया है। तो भैया अगर इक्वल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मान लो ये जनरल फॉर्म ही है, ये तो जनरल फॉर्म है, लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इक्वल रूट है, यानी वहां पे डी क्या है भैया जीरो के बराबर, और डी बोले तो भैया बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू जीरो के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से आपसे क्या पूछ रहा है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 4ac इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर के बराबर। माइनस से माइनस काट दो तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन में आपका 4a के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी स्क्वायर अपॉन में 4a के, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है 32 नंबर कि इफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस का 6kx प्लस का 4 इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट देन k इज व्हाट, देन k की वैल्यू क्या। तो आपने पूरे सीरीज में देखा क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं भैया, नेचर ऑफ रूट से, और नेचर ऑफ रूट में इक्वल रूट से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखना, इसलिए नेचर ऑफ रूट को काफी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो भैया यहां पे देखिए बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस का 6kx प्लस का 4 इज इक्वल टू जीरो हैज ए इक्वल रूट। तो भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है भैया, इक्वल रूट है, ठीक है ना, 6kx प्लस का आपका 4 इज इक्वल टू जीरो के बराबर, ठीक है, बोला इक्वल रूट है, यानी d क्या है भैया जीरो के बराबर इसका, यानी सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या है बच्चा जीरो के बराबर, और बी स्क्वायर इसका लिखे तो भैया 6k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो 9 और c बोले तो 4 इज इक्वल टू जीरो के बराबर। तो ये पूरा टर्म किसमें है भैया, नेगेटिव में, उस साइड ले जाता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 36k स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 4 के बराबर, ठीक है ना, और k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू k अपॉन में आपका 36 के बराबर, 9 चौके 36 और 4 से 4 एक गया, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बराबर और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के बराबर, किसके बराबर भैया प्लस माइनस 2 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर, कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि 2 और माइनस 2 दोनों है इसमें, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 33 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 33
क्वेश्चन नंबर 33 एवरीवन, क्या बोला 33 क्वेश्चन नंबर, देखिए यहां पे कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट के अंदर के प्लस 2x प्लस का 9k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, देन k की वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे अभी, कर लेंगे अभी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आओ आजा। ओए ओए शाम्बा, कितने आदमी थे। देखो, जीत की हवश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, जिंदगी हटो कड़ों से मार दो, मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे। आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, कुछ हार्ड नहीं है। क्या बोल रहे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2k प्लस 2 इंटू का एक्स प्लस का 9k इज इक्वल टू 0 के बराबर। बोल रहा इसके इक्वल रूट होंगे, तो भैया k की वैल्यू बताइए कितना होगा। बहुत अच्छा बात है, आइए देखते हैं। तो भैया इक्वल रूट होंगे यानी d सर वहां 0 होगा, यानी सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर सर 0 होगा, तो भैया यहां पे बी स्क्वायर लिखे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 का द होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो भैया 1 के बराबर, और सी बोले तो भैया 9k के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये कितना आ गया भैया 4, और ये आ जाएगा आपका कितना सर, ये आ जाएगा k प्लस 2 का द होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए 9k इज इक्वल टू 0 के बराबर। एक काम करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बन जाएगा भैया, ये k प्लस 2 का द होल स्क्वायर और माइनस का आपका 9k इज इक्वल टू आपका 0 के बराबर। इस 4 को भेज दो उधर 0 के पास, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 2 का द होल स्क्वायर और माइनस का 9k इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये 4 जाएगा उधर तो 0, ये क्या जाएगा इधर डिवीजन में आ जाएगा, और 0 को किसी चीज से डिवाइड करो तो क्या हो जाता है, वो 0 ही रहता है। ठीक है ना, तो 4 गया हवा लेने, ठीक है 4 गया हवा लेने। तो यहां क्या आ जाएगा भैया, k स्क्वायर प्लस का आपका 4 प्लस का आपका 4k माइनस का 9k इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो k स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा भैया आपका माइनस का 5k और प्लस का आपका 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब जरा देखिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा भैया, k स्क्वायर माइनस का आपका क्या जाएगा 4k माइनस का k प्लस का आपका 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। k कॉमन ले लीजिए, तो यहां से k माइनस का 4 और यहां से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो k माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से दो फैक्टर आ गए, एक तो k माइनस का 4, एक आ गया k माइनस का 4 और k माइनस का 1। तो ये k की यहां से दो वैल्यू हो गई, k इज इक्वल टू 4 और एक k इज इक्वल टू सॉरी एक k इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ऑप्शन पे आते हैं, आप ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन क्या क्या गिवन है भैया आपको, गिवन है 1 और 4, पहला ऑप्शन ही सही है, लो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, तो प्लीज नोट कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, बहुत इजी था, बहुत इजी था, बस कैलकुलेशन था। और देखो यार, एक और मजेदार चीज बताऊं क्या, अपना क्वाड्रेटिक बन गया। ऑप्शनल में देखो, नुकसान है तो फायदा भी है, अपना क्वाड्रेटिक बन गया, कहां गया बे, ये कहां गया, ये रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक अपना बन गया के में। अब भैया हमें नहीं पता इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, हमें नहीं पता किसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो अब भी आप निकाल सकते हो। कैसे सर, एक एक वैल्यू को पुट करके देख लो किस पे ये जीरो के इक्वल हो रहा है, क्योंकि रूट ही तो निकाल रहे हो, के की के में अगर फैक्टराइजेशन है, के की वैल्यू निकालो यानी रूट से ही तो निकाल रहे हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है, रूट ही तो है। तो भैया के की वैल्यू यहां 4 पुट करता, के की वैल्यू 1 पुट करता, अपने को 0 के इक्वल हो जाता, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके का भी बेनिफिट आप उठा सकते हो। ठीक है, तो जो चीजें दी गई हैं उसमें आप क्या देखो, पॉजिटिव चीजें देखो, नेगेटिव चीजें मत देखो बस। ठीक है ना, ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस का 3kx प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हैज ए इक्वल रूट, देन k इज इक्वल टू व्हाट, तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है ना, तो भैया k की वैल्यू अपने को चाहिए, यानी b इसका d 0, यानी सर b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, तो माइनस का b क्या है यहां पे, माइनस का 3k
स्क्वायर माइनस का 4 बोले तो a बोले तो भैया 4 के बराबर और c बोले तो भैया 1 के बराबर इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा भैया 9 के स्क्वायर और माइनस का यहां से आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई एम रियली सॉरी ठीक है ना, के स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा भैया 16/9 के बराबर। तो यहां से के स्क्वायर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4/3 के बराबर, प्लस माइनस 4/3 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत इजी था ये तो बहुत इजी था, इसमें क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, हाँ ये आया ना थोड़ा दमदार क्वेश्चन, इसको लगाओ प्लीज इसको लगाइए एक बार। क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ब्रैकेट में 1 प्लस का 3k प्लस का आपका है 3k प्लस का 7 इंटू 7 टाइम्स ऑफ 3k प्लस का 2k इज इक्वल टू 0 हैज ए इक्वल रूट देन k इज इक्वल टू व्हाट। तो बच्चे बोलेंगे, मैं अगर बोलूं कि नहीं ये आपके लिए, बच्चे बोलेंगे बहुत चलाक हो सर आप तो, मतलब चतुर हो आप तो यार, इजी क्वेश्चन खुद कर रहे हो, हार्ड हार्ड क्वेश्चन हमें करा रहे हो। वैसे दूसरी जगह कराया जाता है मेरे बच्चों के लिए सारे क्वेश्चन इजी हैं क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर है यानी कितना भी बड़ा क्वेश्चन डराने के लिए दे दिया जाए उसे डरो मत, बहुत इजीली फॉर्म में इक्वल रूट है भैया, वही बात वही कहानी, आओ मिल के लिखे। ठीक है तो जरा देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ब्रैकेट के अंदर दे रखा है आपको 1 प्लस 3k, ठीक है, प्लस का आपका 3k और इसको ओपन कर देता हूं 7 को अंदर माइनस करके मल्टीप्लाई करके सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा भैया 3k प्लस का आपका 21 17k 21 प्लस का 14k इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो आपको कांस्टेंट टर्म अगर कोई पूछे तो ये सारे कांस्टेंट हैं, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका ये रहा और एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा। तो भैया इसका बोला गया है कि इक्वल रूट्स होंगे यानी सर इसका डी क्या होगा 0 के बराबर, कोई दिक्कत, अरे सॉरी ओहो क्या हो रहा है, ठीक है ना, इसका डी क्या होगा 0 यानी सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। तो भैया बी स्क्वायर, इसके पास बी स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो भैया ये माइनस 2 और एक और है 1 प्लस का 3k का द होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो भैया कितना 1 के बराबर और सी बोले तो भैया कितना सर ये है 3k है ना प्लस का 21 प्लस का 14k और 3k और 14k मिलाकर मैं लिख देता हूं 17k, क्वेश्चन बहुत बढ़िया 17k के बराबर और प्लस का आपका 21 के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है ना, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है सर ओके। इधर कितना हो जाएगा भैया 4 और ये कितना हो जाएगा 3k प्लस का 1 का द होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 17k प्लस का आपका 20 इंटू है ना ये भाई ये क्या है इंटू का 21 इज इक्वल टू 0 इंटू 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ओके। 4 कॉमन ले लेते हैं फिर से, क्या बन जाएगा भैया इसको ओपन कर दो तो ये बन जाएगा सर 9k स्क्वायर प्लस का आपका 1 प्लस का आपका 6k, ठीक है ना, माइनस का आपका 17k, ठीक है, इंटू का आपका 21 इंटू का आपका 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है सर ओके सर। अब क्या करें सर, देखते हैं क्या करना पड़ता है, 4 को भेज दो उधर, तो 4 को अगर उधर भेज दोगे तो ये 4 खत्म हो जाएगा क्योंकि सर 0 को डिवाइड करोगे 4 से खत्म, 9k स्क्वायर ठीक है प्लस का आपका 6k प्लस का आपका 1 माइनस का 17k इंटू का आपका 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना, फिर जब दिक्कत नहीं है
तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है फिर, आ जाओ। अब एक काम करते हैं, यहां पे चलेंगे अपन ऑप्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से सर? ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं सर। कौन सा वाला होगा जरा देखा जाए। मैं काम करता हूं ऑप्शन नंबर ए पुट करके देखो आप। भैया के की वैल्यू 2 और के की वैल्यू 1/10/9, तो भैया के की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूं तो क्या ये 0 के इक्वल हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपका 18, ये कितना हो जाएगा 9 × 4, ठीक है, प्लस का 6 × 2, प्लस का आपका 1, माइनस का 17 × 2, इंटू का आपका 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो कितना हो गया, 9 × 4 = 36, प्लस का आपका 12, प्लस का आपका 1, माइनस का आपका कितना 17 × 2 × 21। सर इक्वल तो होगा नहीं, सर इक्वल तो होगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं और देखते हैं सर, ये कभी 0 तो होगा नहीं, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में सेम दिख रही है? नहीं दिख रही है सर, हमें नहीं दिख रही है सर, हमें नहीं दिख रही है सर, ठीक है ना फिर, ठीक है फिर देखते हैं 0 किस पे होगा फिर। कुछ गलत तो नहीं कर दिया यार, कुछ गलत तो नहीं कर दिया अपन ने। एक मिनट, एक मिनट जरा रुको भैया, एक मिनट जरा रुको रे। क्वेश्चन तो सही है ना, क्योंकि इसको फॉर्म ही इसका अलग दे रखा। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, प्लीज गिव मी अ 2 मिनट्स, गिव मी अ 2 मिनट ऑफ अ टाइम, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ इसका, पता नहीं अजीब सा ही दे रखा है। लेट चेक इट, टाइपिंग में भी मिस्टेक हो जाता है ना, प्लस माइनस का मिस्टेक एक पूरा ले जाएगा, समझ रहे हो, प्लस माइनस का एक मिस्टेक पूरा आपका क्वेश्चन खराब कर सकता है। तो टाइपिंग करवाने में ये कुछ फायदा भी है तो कुछ नुकसान नुकसान भी झेलना पड़ता है। कौन सा क्वेश्चन है? ये x² - 2 के कहाँ पे है भैया? ये मिलेगा भी तो नहीं ना, PYQ है सारे, PYQ है, जल्दी मिलेगा भी नहीं। ट्राई करते हैं, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता, सुना है। लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई। हमको मिली है आपसे कलियां नसीब की, लग जा गले फिर आपको हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। क्वेश्चन हमें मिल नहीं रहा है भैया, आइए फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। आइए एक बार और इस पे गौर फरमाए, जिस टाइप के क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है, PYQ है आपका, लेकिन ये दिक्कत कहाँ आ रही है ये देखना समझ में नहीं आ रहा। अब मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, कहाँ से उठाया है मैंने, क्योंकि बुक बहुत मोटी है और मोटी मोटी बुक्स में से कहाँ कहाँ से उठा रहे हो सर, हमको क्या पता है। सारे PYQ उस क्वेश्चन है आपके। देखिए यहां पे एक बार और ट्राई करते हैं। x² - 2x, 1 + 3k, प्लस का आपका 3k, प्लस का आपका 7 टाइम्स ऑफ ए 3k प्लस का 2k इज इक्वल टू 0, हैज इक्वल रूट, देन k इज वॉट, ठीक है। तो k इज इक्वल रूट है, तो भैया इक्वल जब रूट है, इक्वल जब रूट है तो d 0 होगा, ये तो बेशक। यानी सर b² - 4ac की अगर बात करूं तो ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और b² यहां क्या है भैया? माइनस का 2 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है यहां पे भैया? 1 के बराबर। और c क्या है बच्चा यहां पे सर? 3 3k प्लस का आपका 14k, यानी इसको लिख दूं मैं 17k, है ना, और प्लस का आपका 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना।
तो इस पिछली बार भी तो ऐसे किया था, कुछ गलत इस साल अलग किया था क्या? तो भैया ये हो जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 3k प्लस का आपका 1 का द होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 17k है ना प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं सर, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बन जाएगा भैया 9k स्क्वायर प्लस का आपका 1 और ये आपका आ जाएगा 2ab यानी 26k के बराबर माइनस का आपका, ये 4 कॉमन ले लिया तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 17k और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। अब इस 4 को भेज दो उस साइड तो भैया चल जाएगा डिवीजन में और 0 को डिवाइड करोगे 4 से तो वो 0 के बराबर ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस का आपका 6k प्लस का आपका 1 माइनस का 17k माइनस का आपका 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर। कॉन्स्टेंट टर्म के वाला टर्म, के वाला टर्म, तो 9k स्क्वायर और 17k में से 6k गया तो प्लस का 11 सॉरी माइनस का 11k माइनस का 11k, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया इसमें k में। अब क्या करें सर, इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या करेंगे इसको सर, फैक्टराइज करते हैं। तो भैया फैक्टराइज करने से अच्छा तो मेरे को यह लग रहा है कि अपन वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। क्या ये 2 पे 0 होगा? एक तो आपको दे रखा है 2 और -2 है ना, एक रूट आपको इसका दे रखा है 2 और -2, तो 2 पे जरा करके देखना तो कितना हो जाएगा 36 माइनस का 22 माइनस का 20, तो भैया नहीं होगा 2 पे सर, नहीं होगा। यानी सर 2 पे अगर प्लस 2 पे नहीं हो रहा है, प्लस 2 पे अगर नहीं हो रहा है तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि अगर प्लस 2 इसका रूट नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए इज गलत और ऑप्शन बी भी जाएगा गलत में, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 पे होगा क्या सर? 9 चौके 36 22 20 नहीं हो रहा है। माइनस 2 पे करके देखो एक बार सर, माइनस 2 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये तो 36 ही रहेगा है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा है ना, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस 2 पे भी तो नहीं हो रहा है, माइनस 2 पे भी तो नहीं हो रहा है, कौन सा माइनस 2 पे हो जा रहा है? माइनस 2 पे भी तो नहीं हो रहा है। ए बाबा प्लीज नोट इट माय लॉर्ड, माइनस 2 पे भी तो नहीं हो रहा है भाई, माइनस 2 पे भी तो नहीं हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया? 2 पे 2 इसका 0 होगा नहीं, माइनस 2 इसका 0 होगा नहीं, तो भैया ये तो वैसे ही कट गए सारे ऑप्शन, सारे कट गए ना, 2 हो रहा है ना माइनस 2 हो रहा है भाई, कहाँ गलती हो रही है? गलती कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन छोड़ेंगे नहीं, मेरे को लग रहा है या तो क्वेश्चन में मिस्टेक किया है अपन ने कहीं, या मेरे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ऐसा कुछ तो नहीं है। क्वेश्चन मिल जाए तो एक बार मजा आ जाए, क्वेश्चन मिल जाए एक बार तो बोला मजा आ जाए, क्वेश्चन महाराज, ओए महाराज यार गलत तो कहीं कर नहीं रहे हैं। 7 × 21 7 × 2 = 14 14k और प्लस ये प्लस का 3k 17k, ठीक तो है, बढ़िया है, फिर कहाँ गलती हो रहा है? 9k स्क्वायर 2ab तो भैया 6 होगा ही, कहाँ गलती हो रहा है फिर? आई डोंट नो तो जानू ना। कहाँ गलती कर बैठे अपन, या तो कुछ क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन ही मेरे को, या तो क्वेश्चन देखो पक्का मिस्टेक है, क्वेश्चन या तो पक्का मिस्टेक है, 110% में बोल सकता हूं कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि भाई साहब
एक बार हो सकता है मिस्टेक, बार बार कहां होगा रे बे, है? कुछ ना मिस्टेक तो है, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो है भैया। टू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, माइनस टू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऑप्शन चारों में टू और माइनस टू से है, तो भैया ऑप्शन तो चारों गलत हो गए, ऑप्शन तो चारों गलत हो गए। चलो इस क्वेश्चन को पेंडिंग पे रखो, इस क्वेश्चन को पेंडिंग पर रखो, 110% मैं देखता हूं, ढूंढता हूं इस क्वेश्चन को, पक्का एंड तक मैं ढूंढूंगा, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, इसमें 110% मैं बोलता हूं कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत है भैया, कुछ ना कुछ जरूर गलत है। या तो ये मेरे को लग रहा है ये 3K, ये जो 3K है प्लस का 3K, ये एक्स्ट्रा दे दिया इन लोगों ने टाइपिंग में मेरे को, क्योंकि ये भी नया नया इन्वेंटर करते रहते हैं ना टाइपिस्ट हमारे, तो ये भी नया नया इन्वेंट करते रहते हैं, तो मेरे को लग रहा है ये तो या तो ये एक्स्ट्रा आया है। अगर ये 3K नहीं है, अगर ये 3K नहीं है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 100%। देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आई एम 100% श्योर कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अगर ये 3K नहीं है तो। मैंने अपने मन में सॉल्व कर लिया, भैया 4 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते यार, आपने कुछ ना कुछ टाइपिंग में या तो मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया है, क्या भैया ये प्लस 3K नहीं होगा, यानी ये क्वेश्चन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस 3K, ठीक है, और प्लस का 7 टाइम्स ऑफ 3K प्लस का 2K इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये क्वेश्चन है 100%। तो अगर ये क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को अभी रखो पेंडिंग में, मैं जाते जाते इस क्वेश्चन को ढूंढूंगा और ढूंढ के एक बार मैं कंफर्म करा दूंगा आपको कि ये भैया ऑप्शन सही है या ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो एंड तक बने रहे, इस मजा को भी ले लीजिए, मजा लीजिए, ठीक है। तो इस मजा को भी अपन लास्ट में देखेंगे क्या इसमें सजा है जो बार बार अपन गलती कर रहे हैं। 100% मैं अपना ठोक के बोलता हूं कि अपन गलत नहीं है, अपन गलत नहीं है, एक बार मिस्टेक हो जाता है मान लिया, लेकिन बार बार एक ही मिस्टेक थोड़ी होता है यार, नेवर, इतना कॉन्फिडेंस तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या बोला जा रहा है कि इफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ टू बी ए प्लस सी इंटू का एक्स प्लस का आपका सी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है भैया, हाँ इज इक्वल टू जीरो, हैज बोथ रूट्स इक्वल, इसके दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं, देन कब वो इक्वल होंगे, जब बी जो होगा वो एसी के बराबर होगा या बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी के बराबर होगा, ऑप्शन आगे दिए भी होंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व तो कर लें भैया, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या की बने, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के बराबर इंटू का आपका एक्स स्क्वायर माइनस का टू बी ए प्लस सी के बराबर इंटू का एक्स प्लस का आपका बी स्क्वायर प्लस का आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो के बराबर। इसके कैसे हैं भैया, इक्वल रूट है, कैसे हैं इक्वल रूट, तो इक्वल रूट है भैया, यानी डी इसके कैसा है जीरो के बराबर। तो यहां पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac जीरो के बराबर, और यहां पे बी स्क्वायर बोला जाए तो कितना है भैया, ये रहा आपका बी स्क्वायर, यानी सर 2b और ब्रैकेट में है a प्लस आपका c का द होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो भैया ए स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर, और भैया c बोले कांस्टेंट तो भैया ये है आपका बी स्क्वायर प्लस का आपका सी स्क्वायर, ये होना चाहिए भैया जीरो के बराबर, ठीक है ना। यहां आइए अब, तो जब यहां आ जाएंगे आप, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आप ये कितना हो जाएगा भैया 4b स्क्वायर, और अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का आपका c स्क्वायर प्लस का आपका 2ac, ठीक है, माइनस टाइम ये ब्रैकेट बंद माइनस 4 टाइम्स, और ये इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर b की पावर 4 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर, और ये होना चाहिए आपके किसके बराबर जीरो के बराबर। एक काम करते हैं ना, यहां पे भी 4 है यहां पे भी 4 है, 4 को हटा दो कॉमन लेके, 4 को क्या करोगे हटा दो कॉमन लेके, तो भैया यहां पे 4 कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो भैया क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के ये, और एक काम करते हैं बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर 2ACB स्क्वायर माइनस, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी की पावर 4 माइनस का बी की पावर सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो के बराबर, ठीक है ना। ये टर्म गया,
सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों आपस में सेम ही है, हटा दो इसको भी और इस 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 तो भैया 0 के बराबर ही रह जाएगा। तो यहां क्या बच गया भैया, 2ac b² माइनस का आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का आपका बी की पावर 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये बचा ना। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, ये दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव में, तो क्या बन जाएगा भैया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का आपका बी की पावर 4 माइनस का आपका 2ac b² के बराबर। और अगर आपको अब इस माइनस इज इक्वल टू 0 के बराबर, इस माइनस 1 को भी फेंक दो उधर डिवीजन की तरफ, है ना, तो भैया ये भी 0 से 0 को डिवाइड करेंगे माइनस 1 तो 0 ही रह जाएगा, तो ये माइनस 1 भी गायब। तो ये आपको अगर इसको दिखाऊं तो ये क्या लिखा हुआ है सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ सर एसी प्लस बी, सर एसी माइनस का आपका बी स्क्वायर का द होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये इक्वल टू 0। अब भैया इसका आपको रूट कैसे, ये क्या निकाल कर लिया है आपने, ये आपका है डी, ये क्या है उस जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा सारा गिवन किया था उसका डिस्क्रिमिनेंट, अब बोला गया था उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भैया इसके कैसे रूट है, इसके सर रियल एंड सॉरी हाँ रियल एंड इक्वल रूट है, कैसे रूट समझ जा, रियल एंड इक्वल रूट है, तो भैया रियल एंड इक्वल रूट होंगे यानी डी एग्जैक्टली होना चाहिए 0 के बराबर, लेकिन सर डी तो यार आई है इसके बराबर, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें से ऑलवेज जो वैल्यू निकलेगी कोई भी, अगर ए बी ए सी और बी की वैल्यू आप कुछ डालते हो कॉन्स्टेंट नंबर, तो यह हमेशा कैसा देने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, कैसा देने वाला है पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, लेकिन एग्जैक्ट इसको अगर 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, यहां पे बी स्क्वायर माइनस का एसी को इज इक्वल टू 0, तो यानी बी स्क्वायर को आपको रखना पड़ेगा किसके बराबर, एसी के बराबर, बी स्क्वायर की जगह अगर अपन एसी रख देते हैं तो भैया इसकी वैल्यू जो आप ये देख रहे हो डी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी एग्जैक्टली 0 के बराबर, तो आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। अब चलते हैं ऑप्शन पे, अब अपना ऑप्शन पे चलते हैं, जरा आइए ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है कि बी इज इक्वल टू एसी रखना पड़ेगा, नहीं सर, दूसरा क्या बोला है बी इज इक्वल टू एसी रखना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, और बाकी दो ये ऑप्शन ये दे रखे हैं, ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके ओके सर। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, 35 को तो तोड़ेंगे, अच्छे से तोड़ेंगे उसको, टेंशन मत लो, आई एम 100% श्योर कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर है, चाहे प्लस माइनस का हो और नहीं तो वो 3 के, अगर वो 3 के हटा देते ना तो ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट, ओके ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट बोला। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा फटाक से क्या देख बोल रहा है जरा देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। इसके रूट भैया रियल एंड अनइक्वल कब होंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो भैया ग्रेटर देन 0 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इन द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 इज गिवन दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन द रूट्स आर भैया रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसमें क्या पूछना है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 5kx प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स, कि एक भी रियल रूट्स ना हो, तो भैया नो रियल रूट्स यानी इसका d क्या होना चाहिए, लेस देन 0, नेगेटिव है कि नहीं, हाय सर हाय, तो भैया यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, तो बी स्क्वायर बोले तो भैया 5k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो भैया 1 के बराबर और सी बोले तो भैया 16 के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहां से क्या जाएगा 25k² और ये कितना आ गया, इसको फेंक दो उधर, सॉरी यहां लेस देन होगा ना, इक्वल टू लगा दिया, लेस देन 0, ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 64 के बराबर, तो यहां से के स्क्वायर लेस देन आपका जाएगा 64 अपॉन में क्या 25 के बराबर,
और के लेस देन रूट के अंदर आपका चल जाएगा 64 अपॉन में 25 के बराबर, और यहां से रूट से बाहर जब ये आएगा तो k इज लेस देन 8 अपॉन में 5 के बराबर, ठीक है ना, k इज लेस देन प्लस माइनस 8 अपॉन में 5 के बराबर ये होना चाहिए भैया। यानी k की वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 8 बाई 5 से छोटा और प्लस का 8 बाई 5 से भी छोटा। यानी इसका k का रेंज अगर बोलूं मैं तो भैया 8 बाई 5 से छोटा और इससे भी आपका 8 बाई 5 से छोटा, ये नेगेटिव का वो पॉजिटिव का, ठीक है ना, ये इसका रेंज रहने वाला। यानी माइनस का 5 8 बाई 5 से, तो मतलब अब छोटा का नेगेटिव में छोटा का वैल्यू क्या, छोटा मतलब क्या होता है, अब जैसे नेगेटिव की अगर मैं बात करूं नेगेटिव वैल्यू में, जैसे मान लो ये आपका 0 तो ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 है ना, ये आपका होता है छोटा, तो इसमें माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 2, माइनस 2 इज ग्रेटर देन, तो छोटा का मतलब क्या होता है भैया इधर के साइड, समझ रहे हो, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर लिखोगे नेगेटिव में वो उतना ही छोटा होगा छोटे वाले नंबर से, समझ रहे हो। तो भैया इसका रेंज कहां तक होगा के की, कि माइनस 8 बाई 5 से तो बड़ा और कहां से 8 बाई 5 से छोटा पॉजिटिव में, क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भैया, जरा देखिए सर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर क्लियर सर, क्लियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, अच्छा क्वेश्चन था ये इमेजिनरी रूट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 1 हैज नो रियल रूट्स, इसका एक भी रियल रूट्स ना हो, तो वैसे मेरे को ऐसे ही दिख रहा है के स्क्वायर माइनस का लेस देन, ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैसे सर, सर डी लेस देन 0 नो रियल रूट्स, यानी सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0, बी स्क्वायर इज माइनस का के का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बी 1 सी बी 1 इज लेस देन 0, तो के स्क्वायर इज माइनस का 4 इज लेस देन 0, देन के स्क्वायर कितना हो जाएगा लेस देन 4, देन सर के इज इक्वल टू लेस देन प्लस माइनस 2, तो इसका रेंज कहां से भैया माइनस 2 से तो बड़ा और प्लस 2 से छोटा, क्लियर। तो ये रहा इसका रेंज, ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। 41 गाने में बताओ क्या बोल रहा था, रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 आर, कैसा इसका रूट होगा ये बताना, यानी नेचर ऑफ रूट पे बात बोल रहा है, और ये समझ में आ रहा है ना रेंज क्यों लिख रहे हैं भैया, क्या बोल रहा है, के क्या होना चाहिए भैया, के लेस देन माइनस 2, तो माइनस 2 से तो छोटा और के लेस देन 2 और 2 से छोटा, यानी माइनस 2 से छोटा, माइनस 2 से छोटा, तो छोटी वैल्यू कब आती है आपके भैया, छोटी वैल्यू माइनस 2 से छोटा छोटा और प्लस 2 से भी छोटा, तो भैया के का रेंज क्या हो जाएगा माइनस 2 से लेके और 2 तक का, ये बात आप ध्यान में रखना जब भी आप इमेजिनरी वैल्यूज निकालें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आइए तुम वफा की होती है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसके रूट्स का नेचर बताना है भैया, कैसा रूट्स किस कैसा नेचर होगा, तो भैया डी पे डिपेंड करता है, तो डी इसका देख लो भैया, बी स्क्वायर यानी माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो 2 और सी बोले तो भैया 7, कैसा है भैया, तो 36 माइनस का आपका 56, तो भैया डी तो इसका आ रहा है नेगेटिव, डी आ रहा है सर लेस देन 0, तो भैया कैसा रूट्स होगा इमेजिनरी, कैसा होगा इमेजिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स आपको बताना है, तो भैया वही बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर बोले तो भैया माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो भैया 2 सॉरी ए बोले तो 2 और सी बोले तो 3 इज इक्वल टू क्यों, ठीक है, तो यहां से 36 और ये कितना आ रहा है 4 दुना 8 तरीके 24, तो सर डी पॉजिटिव आ रहा है, सर डी क्या आ रहा है, सर पॉजिटिव आ रहा है, तो सर रियल एंड अनइक्वल एंड इरेशनल, तो रियल एंड इक्वल एंड रेशनल, रियल अनइक्वल एंड इरेशनल, रियल एंड इक्वल या फिर इमेजिनरी, तो भैया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट,
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रियल अनइक्वल एंड रैशनल नंबर, ठीक है, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म, और क्यू कितना होगा वन के बराबर, इरेशनल नंबर नहीं आएगा, रैशनल नंबर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 43 क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि इफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, बिल्कुल सही है भैया, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, सही बोल रहा है। इफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 एक्जेक्टली इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट आर इरेशनल एंड अनइक्वल, बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज बी करेक्ट। देन सर डी तरह देखिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन जीरो देन द रूट्स आर रैशनल, नहीं सर, रैशनल रूट्स, रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल रियल नंबर में ही तो आता है, रियल पापा, पापा को याद करो, रियल नंबर पापा, और पापा के ऊपर रैशनल और इरेशनल, तो भैया अगर ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर नेगेटिव आता है तो वो इमेजनरी रूट्स होता है, इमेजनरी रूट्स होता है, तो स्टेटमेंट नंबर डी इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट नंबर डी इज इनकरेक्ट, ओके ना, स्टेटमेंट नंबर डी इज इनकरेक्ट, ओके सर। नेक्स्ट कि इफ 44 नंबर क्वेश्चन कि इफ द रूट ऑफ ए 5x स्क्वायर माइनस का k x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल रूट्स भी है और डिस्टिंक्ट रूट्स भी है, तो आपको बताना है भैया k की वैल्यू क्या होगी। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए भैया d ग्रेटर देन 0 यानी सर b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो भैया यहां पे b स्क्वायर बोले तो भैया k स्क्वायर यानी माइनस का k का स्क्वायर k स्क्वायर के बराबर ही होगा, माइनस का 4a बोले तो भैया 5 के बराबर, और सर यहां पे 1 है ना इज ग्रेटर देन 0, तो कितना आ गया यहां पे भैया, सर ये आ गया k स्क्वायर माइनस का 20 इज ग्रेटर देन 0, तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 20, आंसर k इज ग्रेटर देन रूट अंडर 20 के बराबर एंड k इज इक्वल टू ग्रेटर देन प्लस माइनस 2√5 है ना, और प्लस माइनस 2√5 के बराबर, तो भैया यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2√5 से बड़ा, और यहां कहां तक, आपके 2√5 तक है ना। नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है कि भैया माइनस टू रूट फाइव से लेकर और आपके कहां तक, मतलब माइनस टू रूट फाइव से बड़ा और 2√5 से छोटा, ये दे रखा है k की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, k इज ग्रेटर देन 2√5 ओनली, नहीं ऐसा नहीं है, k इज लेस देन 2√5 ओनली, नहीं ऐसा भी नहीं है, k इज ग्रेटर देन 2√5 और k इज लेस देन 2√5, कौन सा होगा इसमें से, कौन सा होगा इसमें से, जरा बताइए मुझे, क्या बोल रहा है कि k की जो वैल्यू होगी या तो वो ग्रेटर देन 2√5 से बड़ी हो या फिर सर 2√5 से माइनस 2√5 से छोटी हो, ये बोला जाए, या फिर आपसे बोला जाए ऑप्शन नंबर ए कहां गया बे, ऑप्शन नंबर ए कहां गया, हाँ यही तो है ऑप्शन नंबर ए कि माइनस 2√5 से बड़ी और इस मतलब इसके बीच में हो, तब तो कौन सा ऑप्शन होगा, प्लीज एक बार आप लोग सोचिए इस पे, जरा अच्छा सोचने वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज इस पे थिंक कीजिए, वीडियो को प्लीज पॉज मारो एंड मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, वीडियो को 2 मिनट पॉज मारिए और बताइए मुझे प्लीज, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। कि क्या होगा, अरे भाई इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, ये आओ, यहां आओ ना, यहां आओ, क्या बोल रहा भैया, कहां निकाला था अपने केक, यहां बताए, यहां क्या निकाला भैया, के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया,
ग्रेटर देन आपके 2√5, पॉजिटिव में 2√5 से बड़ा होना चाहिए, या तो इससे बड़ा हो या फिर सर इससे क्या हो छोटा, माइनस के 2√5 से क्या हो छोटा हो। अब भैया यहां से के की वैल्यू देखिए, यहां से के की वैल्यू आपको क्या निकल के आ रही है, के की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जरा ध्यान से समझना, के क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव में सर इससे बड़ा हो, नेगेटिव में अगर बात करें तो इससे भी बड़ा हो, नेगेटिव में इससे बड़ा हो, तो इससे बड़ा अगर लाना है, अगर इससे बड़ी वैल्यू लानी है तो भैया अगर नेगेटिव में बड़ी वैल्यू अगर आपको चाहिए, नेगेटिव में आपको बड़ी वैल्यू चाहिए तो ये आपका 0, ये आपका -1, ये आपका -2, तो भैया -2 बड़ा है -1 बड़ा है, तो भैया यहां पे साइन आपको चेंज कर देना पड़ेगा, यानी ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, लेकिन सर इससे या तो उससे बड़ी, या तो के क्या होना चाहिए, या तो के होना चाहिए इससे बड़ा, या फिर सर इससे इससे आपका क्या होना चाहिए छोटा, इससे छोटा और इससे बड़ा, या तो इससे बड़ा या फिर इससे छोटा, ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यू आएगी तभी तो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू कहलाएगी, ओ समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज टोटली करेक्ट, या तो भैया आइदर ये के इज दिस या फिर दिस, क्लियर। तो आपको कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 7x + 8 = 0 आर कैसा रूट्स होगा, तो वही डी पे डिपेंड करता है। तो भैया 49 माइनस का आपका 4 इंटू ए बोले तो भैया 3 और सी बोले तो 8, कैसा आ रहा भैया 49, और ये आ जा रहा है आपका कैसा 24, और 24 इंटू 4 करोगे तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है, तो कैसा ऑप्शन नंबर सी, बोथ इमेजनरी रूट्स मिलेंगे भैया, इमेजनरी रूट्स मिलेंगे ना यहाँ पे, दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, इमेजनरी रूट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी नेगेटिव आ रहा है आपका, तो डी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट 46 नंबर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 times of 1/20, द नंबर इज व्हाट। अच्छा बहुत बढ़िया, या वर्ड प्रॉब्लम भी घुसा दिया गया है, बहुत अच्छा बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, कोई एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल का अगर आपस में सम कर रहा हूं, मैं आपस में जोड़ रहा हूं, तो कितना रहा 2 times of 1/20 के बराबर आ रहा है, 2 times of 1/20 के बराबर आ रहा है, तो बताइए द नंबर, वो नंबर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये तो उसका क्वेश्चन आ गया भाई, क्या बोलते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम का, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द नंबर बी एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भैया, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x के बराबर, इन दोनों का सम यानी सर x प्लस 1/x, ये कितना आ रहा है 2 times of 1/20 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा x² + 1/x, और ये कितना लिखा हुआ है भैया 20 और एक 41/20 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20x² + 20 = कितना 41x के बराबर है कि नहीं। अब इसको इधर इस साइड ले आओ तो 20x² + 41x + 20 = 0 के बराबर, अब बोला है कि x की कौन सी, x किसके बराबर, वो नंबर क्या होगा, है ना, वो नंबर क्या होगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे दो तरीके हैं आपके, या तो उसको फैक्टराइज करो और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इसमें से वैल्यू पुट करके देखो किस पे वो जीरो हो रहा है। या तो आप क्या करो बच्चा फैक्टराइज करो या फिर वैल्यू पुट करके देख लो आपके पास, और फैक्टराइजेशन भी बहुत इजी सा है, मतलब हार्ड आया है, तो प्लीज मर्जी आपकी है कि आप क्या वैल्यू पुट करके देखेंगे या फैक्टराइज। तो मैं तो वैल्यू पुट करके देख लेता हूं भैया, मैं काम करता हूं वैल्यू पुट करके देख लेता हूं। तो पहला वैल्यू क्या है भैया, देखें जरा, पहला क्या है 5/4, तो 20 एक्स की वैल्यू 5/4 रख दो का द होल स्क्वायर माइनस का 41 और इंटू का 5/4 प्लस का आपका 20 = 0 के बराबर। तो ये कितना आ गया भैया 20 इंटू का 5/4 इंटू का आपका 5/4 माइनस का 41/4 इंटू का आपका 5 और प्लस का आपका 20 = 0 के बराबर, ठीक है ना। तो जरा देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ये कट जाएगा भैया 5 टाइम्स में,
है ना। तो 125 आपको दिख रहा है सीधे सीधे, अपॉन में 4 माइनस का आपका ये आ जाएगा 5 और 20 205 है ना, और अपॉन में 4 और प्लस का आपका 20 इज इक्वल टू 0। एलसीएम आपका आ जाएगा सीधे सीधे 4, ये 125 माइनस का 205 और ये आ जाएगा आपका प्लस का 80, कोई दिक्कत नहीं होगा। 80 प्लस 125 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 0 और 20, सॉरी 5, 0 प्लस, अरे 125 और 80 जोड़ दो ना तो 5, 8 5 205 के बराबर। लो हो गया, पहला वाला ही सेटिस्फाई कर गया, फर्स्ट वाला ही सेटिस्फाई कर गया। फैक्टराइज करते हालत खराब हो जाती, फैक्टराइज करते हालत खराब हो जाती। तो भैया ये 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 के बराबर ही होता है, 0 इज इक्वल टू 0। तो सेटिस्फाई कर गया यानी सर, वो नंबर क्या होगा 5/4 के बराबर। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डन। ओके ओके सर, नेक्स्ट। तो इस टाइप के जित ऑप्शन के भी फायदे उठाया करो, है ना, ऑप्शन के भी फायदे उठाना सीखो, ये नहीं कि बस लगे पड़े हैं, ये नहीं कि बस लगे पड़े हैं एकदम है कुश्ती, स्मार्ट वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना अपने को। नेक्स्ट, द टू पार्ट इनटू विच 57 शुड बी डिवाइडेड सो दैट देयर प्रोडक्ट इज 782, ठीक है। और बोल रहा है कि 52 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो, 52 को ऐसे आप क्या करो, दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, जिसका आपस में मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना बराबर हो जाए, 782 के बराबर हो जाए। तो मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा है क्या सर, आपको कौन सा लग रहा है? मेरे को 782 लाना है ना, 782 लाना है, ठीक है ना फिर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 782 लाना है अपने को, जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए 782। तो देखो भैया, दो आपके पास ऑप्शन है, या तो गुणा कर करके देख लो, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, उन दोनों को कर लो, उन दोनों को कर लो, ठीक है। और 782 देखो किसका किसका आ रहा है, सबका आ रहा है क्या? एक बार मैं चांस मारता हूँ, देखो एक ऑप्शन बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, ठीक है, बाकी तो अपन करके देखेंगे ही एक एक करके, लेकिन एक बार लेट्स ट्राई, लेट्स बिगेन अ फन, मैथ्स से फन करते हैं जरा। एक बार देखना सारा का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है क्या, 43 इंटू करोगे अगर आप 14, नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाला नहीं आ रहा। तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि कौन सा वाला होगा, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को लग रहा है सबसे इजी मल्टीप्लीकेशन डी वाला है, इसको करके देख लो। 44 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो 480 के बराबर, 440 के बराबर, और 44 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 4 3 12, और 4 3 12 13, 132। बाबा ये भी नहीं होगा, जे तो नहीं होगा बाबा। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो नेक्स्ट अपन देखते हैं, 33B वाला ऑप्शन देखते हैं भैया। 33 इंटू का 20 करना कितना आ जाएगा भैया, 660 के बराबर, ठीक है ना। और 33 इंटू का 4 करो तो ये कितना आ जाएगा भैया, 4 3 12 और 1 13, 132, 660 प्लस 132 2 और 9 और 7, 792 आ रहा है ना, 792 आ रहा है सर, कोई बात नहीं। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो नहीं होंगे, ये तो श्योर हो गया ना कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं होंगे। नेक्स्ट आप ऑप्शन सी करके देख लो, ऑप्शन सी करके देख लो, फैक्टराइज करने से तो अच्छा है ना। 34 इंटू आप 20 करो, करीब ही ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 34 इंटू 20 करोगे सर आप तो ये हो जाएगा आपका कितना, 34 8 और 6 680, ठीक है ना। और भैया 34 इंटू का आप 3 कर लो तो 12 4 3 12 और 9 और 1 10, 102। तो ये करके देखना, ये हो गया शायद, ये हो गया, लो ये हो गया 680 और 102 कितना हो गया भैया, 2 8 7, 782। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डन।
तो भैया वो 57 को दो पार्ट्स में आपने किस में ब्रेक किया होगा, 34 और 23। तो ऑप्शन से भी खेलना सीखो, ऑप्शन से भी खेलना सीखो। आपसे क्या पूछा गया था कि भैया 57 नंबर को ऐसे दो कौन से पार्ट्स में डिवाइड करूं जिसका मल्टीप्लीकेशन 782 हो जाए। आपको चार ऑप्शन गिवन थे, मल्टीप्लाई करके फटाफट देख लो ना। और मल्टीप्लाई भी ऐसे क्यों करना है एकदम लेंदी की तरह। ये देखो भैया ये 34 है, ये 20 है करीब है, तो भैया 34 को 20 से कर दो और फिर 34 को 3 से कर दो, आपस में ऐड कर दो। ये मैंने देखा 33 है, ये 24, 33 को मैंने 20 से किया, फिर 33 को 4 से कर दिया, आपस में ऐड कर दिया, काम खत्म। 44 और 13 था भैया, 44 को मैंने 10 से किया, फिर मैं 3 से कर दिया, खत्म। ऐसे करो, ये नहीं कि 44 × 13 करोगे, बहुत लंबा पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट माइंड, स्मार्ट तरीके से स्मार्ट स्टडी करना भी सीखना चाहिए अपने को। नेक्स्ट नेक्स्ट कि द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 82 meters, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 82 meters एंड इट्स एरिया इज 400 meters square, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज वॉट, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज वॉट, कि ब्रेथ क्या होगा रेक्टेंगल का वो आपसे पूछा गया है। ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज वॉट, पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का 82 meters के बराबर, एरिया दे रखा है आपको 400 meters square के बराबर, एंड ब्रेथ आपसे पूछा गया कि बताइए ब्रेथ क्या होगा। और यहां पे आपको गिवन है कि लेंथ से ब्रेथ जो होगा वो क्या होगा, लेंथ जो है ब्रेथ से क्या होगा, बड़ा है। तो अपन एक काम करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है भैया, 2 times of L + B, वो आपको गिवन है, वहां से L प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। और किसी भी अपने को ब्रेथ पूछा ही है तो अपन L की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ ब्रेथ, और भैया फिर एरिया भी आपको गिवन है, वहां से अपन पुट करके निकाल लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, आपको पेरीमीटर कितना गिवन था, पी 82 meters के बराबर है ना। और पेरीमीटर होता क्या है, 2 times of L + B, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 times of उसका length + उसका breadth, यह आपका गिवन है 82 के बराबर। तो यह कितना हो जाएगा भैया, एल प्लस बी है ना, ये देखा है ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, एल प्लस बी इज इक्वल टू 82/2, ठीक है। तो यहां से L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 41 के बराबर। तो यहां से अपन क्या करते हैं, L की वैल्यू निकाल लेते हैं, 41 माइनस के बी के बराबर, ये L आ गया मेरा, ये क्या आ गया, L आ गया। अब ये L आ गया तो ठीक है ना, अब आपको एरिया भी गिवन है, एरिया क्या गिवन है भैया, सर एरिया मेरे को गिवन है क्या, 400 meters square के बराबर। एरिया क्या होता है, L इंटू बी के बराबर 400। L की वैल्यू आपने निकाल लिया इन टर्म ऑफ B, 41 माइनस के B के बराबर, इनटू का आपका B इज इक्वल टू 400, कितना हो जाएगा भैया, माइनस का B स्क्वायर प्लस का 41B इज इक्वल टू 400, उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा आपका, सर काम करते हैं ना, क्या करें, ये हो जाएगा सर B स्क्वायर माइनस का 41B प्लस का आपका 400 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसको फैक्टराइज कर लो, यहां से ब्रेथ मिल जाएगा, और ब्रेथ जो भी आएगा उसको 41 में से माइनस कर दोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा। तो इसका बी स्क्वायर निकालिए, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 400 बी स्क्वायर। अब 400 बी स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस का 41 बी के बराबर हो जाए और फिर से उनका मल्टीप्लीकेशन 400 बी स्क्वायर के बराबर हो जाए, 400 बी स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो ऐसा कौन सा टर्म है, प्लीज एनीबॉडी कैन डांस, प्लीज सोचिए, मैं भी सोच रहा हूं, एकदम से तो आएगा नहीं दिमाग में। तो 30-40 है लेकिन वो फिर बीच वाला टर्म नहीं बनेगा, 30-40 तो मिल जाएगा लेकिन उसपे बीच वाला टर्म आपका नहीं बनेगा। बीच वाला टर्म भी तो बनाना है ना अपने को भैया, अपने को क्या करना है, बीच वाला टर्म भी बनाना है, कौन सा लें, माइनस का 41B बनना चाहिए और 400, लेट्स ट्राई बी बिगन, आइए जरा बी स्क्वायर ठीक है माइनस का 25B माइनस का 16B प्लस का 400 इज इक्वल टू 0 के बराबर। 25 प्लस 16 करना 41 आ जाएगा,
माइनस में है तो माइनस का 41 आ जाएगा। 25 इंटू 16 करो तो ये कितना आ जाएगा भैया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 25 को 10 से कर दो कितना आ जाएगा 250, 25 को 6 से कर दो तो कितना आ जाएगा भैया 150, है ना, दोनों को ऐड करोगे 400 और एक्स है ही तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, फिर एक्स स्क्वायर हाँ तो ठीक है, आपने सही ब्रेक किया है। वैसे आप इसका उससे भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है, तो यहां से b कॉमन ले लो तो यहां क्या जाएगा 25 माइनस का b, और यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो माइनस का 16, तो 25 b माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, तो एक आ गया भैया b माइनस का 16 और एक आ गया भैया b माइनस का 25। आई एम अ डिस्को डांसर, ठीक है ना, तो यहां पे देखिए भैया b इज इक्वल टू यहां से एक 16 मीटर आ गया और एक यहां से b इज इक्वल टू 25 मीटर आ गया। अब बात आती है कि भैया कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा ब्रेथ उसका। अब आपको एक कंडीशन दे रखा था कि L जो है वो B से बड़ा है, तो भैया L क्या था भैया 41 माइनस का आपके B के बराबर, तो अगर आप 25 लेते हो तो L कितना आ जाएगा भैया 41 माइनस का 25, तो सर ये आ जाएगा L आपका 15 और 16 सेंटीमीटर के बराबर। तो भैया ऐसा हो सकता है क्या कि L जो है वो ब्रेथ से क्या हो, बड़ा हो इस कंडीशन में? नहीं सर, तो भैया 25 नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते आप? 25 नहीं ले सकते, तो आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा 16 के बराबर। ऑप्शन पे चलते हैं, अपने ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा 16 मीटर, 25 भी दे रखा है देखो गलती करवाने के लिए, ठीक है ना, तो प्लीज इसको ध्यान से, कंडीशन भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, Which constant should be added and subtract to the, solve the quadratic equation this by the method of a completing square method? By the completing square method, ऐसा कौन सा constant इसमें add करें या फिर subtract करें कि ये perfect square बन जाए? Completing square method में क्या करते थे? Perfect square ही तो बनाते थे, तो इसमें कौन सा constant number add करें या subtract करें कि भैया ये perfect square आपका बन जाए? Please. बहुत इजी है ये तो, बहुत सताते हो यारा तुम हम भी कहां डूब गए साथ चलो। प्लीज एनीबडी कैन डांस, डांस वांस की बात मत करो अभी, क्वेश्चन लगाओ। पूछ रहा है इसमें से क्या नंबर अपन ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें कि भैया आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये बन जाए, क्या ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फॉर्म दिखे आपको, बुझे तो बताइए। कोई बताएगा? एनीबडी कैन डांस, ठीक है ना, बातों में तेरी हमें क्या दिखे हर वक्त तेरा इजहार। भैया यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर इसमें अपन रूट थ्री अपॉन में फोर का द होल स्क्वायर अगर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा किसका, 2x माइनस का रूट थ्री बाई फोर का द होल स्क्वायर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसको ओपन कर लो तो 3 अपॉन में 16 के बराबर, ये नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी था ये तो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो भी मेरे से बच्चा पढ़ा होगा तो ऐसे ही बता देगा फट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर। देखिए यहां पे द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास दो हैं, या तो आप फैक्टराइज कीजिए
और नहीं तो भैया ऑप्शन पुट पुट करके देख लीजिए, पुटक 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 पुटक, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए के की वैल्यू इसमें क्या रखूं, तो भैया भाई डी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो भैया यहां पे बी स्क्वायर बोले तो भैया एट के का स्क्वायर है कि नहीं, माइनस का फोर बोले नाइन इंटू सोलह 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 सोलह, ठीक है ना, तो यहां से मेरे को तो लग रहा है इज इक्वल टू जीरो के बराबर। अब ये भैया पूरा नेगेटिव टर्म है उस साइड ले जाते हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया आपका चौसठ की स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू नाइन इंटू सोलह। अब बच्चे क्या करेंगे भैया कि मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं नहीं करूंगा, क्यों सर, क्योंकि ये कठिनाई है, क्योंकि सर ये कठिनाई है जब तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ठीक है, तो फोर इंटू नाइन इंटू सोलह अपॉन में आपका सिक्सटी फोर, काट दो भैया चार टाइम्स में ये गया चार से ये गया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, देन सर k इज इक्वल टू सीधे दिख रहा है प्लस माइनस थ्री के बराबर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, k इज इक्वल टू थ्री और माइनस थ्री, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ये रहा, तो अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, अभी तो 35 के नंबर क्वेश्चन को भी ढूंढना है अपने को, है ना, तो यहां पे देखिए ये भी ये दो ऑप्शन और थे तो ये तो होगा नहीं कभी भी, है ना, बहुत अच्छे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट रियल वैल्यू ऑफ ए के द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स, अगर आपको रियल रूट्स चाहिए तो भैया के की वैल्यू मैं क्या रखूं, के की वैल्यू अगर रियल रूट चाहिए ना तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ना डिस्टिंग्स की बात की गई ना इक्वल रूट्स की बात की गई है, तो यहां से बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर बोले तो भैया माइनस का सिक्स का स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए बोले तो भैया ए के के बराबर, एंड सर बी बोले तो भैया सॉरी बी बोला मैंने आपका सी बोले तो भैया माइनस के टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा छत्तीस, और ये माइनस माइनस प्लस एट के, एट के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं है सर, इस 36 को उधर ले जाओ तो 8k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 36, ठीक है ना, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 36 अपॉन में आपका 8k बराबर, तो ये काटो तो ये आ जाएगा भैया कितने टाइम्स में 9 अपॉन में न चौके 36 और 2 माइनस का 9 बाई टू प्लस माइनस प्लस माइनस क्यों क्या जाएगा k की वैल्यू क्या जाएगी, बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बाई माइनस का 9 बाई 2 के बराबर, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 9 बाई 2 के बराबर। सर साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि सर अपन ने नेगेटिव वैल्यू इधर और इधर से काटा थोड़ी एलएचएस और आरएचएस में, अपन ने तो जैसा था वैसे ही रख दिया, क्लियर ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज व्हाट, अरे बहुत इजी है भाई, इसका क्या कीजिए रूट्स निकालिए, इसका रूट्स निकाल के अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसका जो भी अल्फा की वैल्यू है उसका 1 बाई रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 बाई अल्फा कर दीजिए 1 बाई बीटा कर दीजिए, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, दैट्स इट, ये मैं नहीं करा रहा मैं नहीं करा रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम 1 और कॉलम 2, प्लीज देखिए आइए, बहुत इजी है, क्या बोल रहा है कि कॉलम वन आपको मैच करना है, ए का ऑप्शन ए का कॉलम टू में क्या होगा, बी का कॉलम टू में क्या होगा, सी का कॉलम टू में क्या होगा, डी का कॉलम टू में क्या होगा, तो भैया पहला आपको दे रखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स प्लस का आपका ये, है ना, तो यहां से आपको सीधे सीधे दिख रहा है इसका डी कैसा है भैया पॉजिटिव है, कैसा है डी क्या है भैया ग्रेटर देन जीरो है, कैसे सर, सर जरा निकालिए उसका, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर यानी सर 49 माइनस का 4ac 4 इंटू 2 इंटू सी बोले तो भैया कितना 5 के बराबर, तो 5 दुना के 10 40 तो 49 और कितना हो जाएगा माइनस का 40 यानी सर प्लस 9 के बराबर आ, यानी सर इसका d कैसा है ग्रेटर देन 0 है, तो भैया इसका रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे और सर डिस्टिंक्स रूट्स होंगे, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्स रूट्स, तो
और अब इसमें दो वैल्यू दे रखी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के दो वैल्यू आपके दे रखे हैं। कौन कौन से सर? एक तो आपको दे रखा है कौन सा, रियल डिस्टिंक्ट एंड रेशनल, एंड रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल, ठीक है ना, रियल डिस्टिंक्ट और रेशनल, और रियल डिस्टिंक्ट और इरेशनल। तो भैया कौन सा होगा? रेशनल वाला हो जाएगा। तो यानी ए का कौन सा ऑप्शन मैच कहां कर रहा है भैया? ए जो मैच कर रहा है वो क्यू में मैच कर रहा है। ए कहां मैच कर रहा है? क्यू में, ठीक है। नेक्स्ट, ए कहां मैच कर रहा है भैया? क्यू में। ओ इरेशनल है क्या? क्यू रेशनल होगा ना भैया, आर में मैच करेगा, सॉरी आर में मैच कर रहा है, रेशनल होगा ना, इरेशनल बोल दिया मैं, बोला तो मैंने रेशनल ही लेकिन इरेशनल वाला ऑप्शन लिख दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला सोचिए जरा, नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है भैया? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू रूट सिक्स एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसका अगर डी की बात करूं तो डी कितना हो जाएगा भैया इसका? सर ये हो जाएगा माइनस का टू रूट सिक्स का द होल स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए बोले तो भैया थ्री और सी बोले तो भैया टू, ठीक है। तो कितना आ गया भैया? चार इंटू छ माइनस का ये बारह, चौबीस के बराबर। तो चौबीस माइनस चौबीस, तो इसका कैसे मारा गया? रियल एंड इक्वल, यानी आपका बी का क्या आ गया? पी। बी का क्या आ गया भैया? पी। बी का पी, ठीक है। नेक्स्ट सी देखिए, सी वाला क्या बोल रहा है भैया? नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का टेन एक्स प्लस का आपका फिफ्टीन। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है मेरे को, इमेजिनरी लग रहा है मेरे को ये तो। क्या भैया? नाइन एक्स स्क्वायर ना, तो भैया बी स्क्वायर इसका लिखूं तो हंड्रेड और माइनस का फोर इंटू ए नाइन और पंद्रह। तो भैया सीधे सीधे दिख रहा है ये नेगेटिव वैल्यू इसकी ज्यादा, यानी इसका डी क्या है? लेस देन जीरो। यानी सर इमेजिनरी रूट्स आएंगे, सी का क्या हो जाएगा? एस। और डी बचा तो उसका सीधे सीधे दिख रहा है कौन सा? क्यू। तो ये रहा आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्लियर। तो अपन ने यहां तक 54 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस किए पूरे आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे, ऑप्शनल यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब बता भैया कौन सा? 35 नंबर पे चलते हैं फिर से। 35 आजा सनम आजा, हाँ ये रहा आपका 35 क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन मतलब, है ना। तो भैया 35 नंबर क्वेश्चन में अपना क्या बार बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है, अब क्यों हो रहा है वो आप बताइए। बिल्कुल हम ही बताएंगे, आप थोड़ी बताएंगे। तो भैया पहली बात तो क्वेश्चन ये मिल नहीं रहा है मेरे को, कहां से उठाया है मैंने, है ना। लेकिन लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है कि अगर क्वेश्चन अगर ये सही है, क्वेश्चन अगर ये सही है जो आपको गिवन है गलत वाला क्वेश्चन, तो भैया इसमें से ऑप्शन कोई नहीं होगा, फिर ऑप्शन गलत है। या फिर अगर यहां से अपन थ्री के हटा देते हैं, अगर यहां से मैं क्या बोला थ्री के हटा देते हैं तब यहां से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तब यहां से क्या बोला मैंने? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो जरा आइए देखिए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन तो मेरे को नहीं मिल रहा है कहां से मैंने उठाया है, लेकिन मैं देखो यहां से आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन गलत है। अगर भैया अगर क्वेश्चन सही रहता तो इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मैच करता, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है यानी सर आपका क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में कोई ना कोई मिसप्रिंटिंग हुई है, कहीं से टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। लेकिन अगर 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 क्वेश्चन गलत है, अगर यहां पे गलती कहां हुई है, ये थ्री के एक्स्ट्रा आया है, गलती कहां हुई है? थ्री के एक्स्ट्रा आया है। तो अगर मैं थ्री के को हटा देता हूं तो देखना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स वन प्लस थ्री के प्लस का आपका सेवन, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है। और यहां क्या है? थ्री प्लस टू के इज इक्वल टू जीरो, आई एम करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स, बिल्कुल सर सही है, बिल्कुल सही है सर। अब भैया यहां पे बोला गया है कि भैया k की वैल्यू निकालिए क्या जब इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल यानी d जीरो, और d जीरो इट मींस व्हाट सर? बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, क्लियर ना? हाँ सर। और भैया अगर ये ऐसा तो भैया यहां पे बी स्क्वायर बोले तो भैया क्या? माइनस का टू और ब्रैकेट के अंदर वन प्लस या फिर वन प्लस थ्री के लिखिए या फिर थ्री के प्लस का वन लिख दीजिए, का द होल स्क्वायर, का द होल स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए बोले तो कितना? वन। और भैया सी बोले तो कितना? सी को मैं लिख देता हूं भैया कितना? ट्वेंटी वन
और प्लस का आपका 14 के इज इक्वल टू 0 के बराबर। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 2 है तो, और ये कितना हो जाएगा 3 के प्लस का 1 का द होल स्क्वायर माइनस का आपका 4 टाइम्स ऑफ क्या जाएगा 21 प्लस का आपका 14 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ गया, 4 जब कॉमन आ गया मेरे लाल तो यहां क्या बन जाएगा, इसको ओपन कर दो, 9 के स्क्वायर प्लस का आपका 1 और ये कितना हो जाएगा 6 के, ठीक है 4 गया बाहर और ये क्या जाएगा माइनस का 21 माइनस का 14 के, सॉरी माइनस का 14 के इज इक्वल टू 0। इस 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर भेज दो डिवीजन में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस का आपका 1 प्लस का आपका 6 के माइनस का आपका 21 माइनस का आपका 14 के इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जरा देखो यहां पे, अब जरा देखो यहां पे, अब ये क्या बन गया भैया 9 के स्क्वायर, ठीक है 6 के 14 के माइनस का 8 के माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये आपका रह गया क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप फैक्टराइज करोगे तो बेटा यहां से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन आपको ऑप्शन गिवन है उस ऑप्शन से अपन चल रहे हैं, तो मैंने बोला ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन बी क्या गिवन है आपको, बी गिवन है सर 2 और आपका माइनस का 10 बाई क्या है, माइनस का 10 बाई प्लीज गिव मी 1 मिनट, अच्छा इधर है ना सॉरी, माइनस का 10/9, माइनस का 10/9 ठीक है, 2 है माइनस 2 है, ये भी देख लो ऑप्शन नंबर बी में 2 है, ठीक है। तो एक बार देखो 2 देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा भैया 36 के बराबर, बोलो ना 36 के बराबर, और ये कितना हो जाएगा भैया 16 के बराबर, ये कितना हो जाएगा भैया 20 के बराबर, तो 36 माइनस का 36 इज इक्वल टू 0 के बराबर, 36 से 36 गया 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी सर 2 सेटिस्फाई कर गया, यानी प्लस 2 एक तो इसका रूट होगा प्लस 2, तो अगर भैया एक प्लस 2 होगा तो भैया आपका ऑप्शन नंबर सी इज गया, ऑप्शन नंबर डी भी गया, क्योंकि इसमें -2 -2 है, तो भैया अब ये 50-50 बच गया, केबीसी खेल रहा है ना अपन, ये भैया 50-50 बच गया, एक लाइफलाइन आपने ले ली तो यह बन गया 50-50। अब भैया ये या ये, अब भैया ये या ये, तो मैंने बोला बी ही होगा, क्यों सर मैंने मन में उस टाइम सॉल्व कर लिया था भैया 3 के नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए भैया आप दोनों रख के देख सकते हैं, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर मान लो मेरे दिमाग में नहीं आता मैं सर -2 रखता, तो -2 रखता तो ये 0 नहीं होता, तो आपको ये पता चल जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए और बी आपका खत्म हो गया, आपकी मर्जी, वो तो कैसे भी करते 50-50 बनना ही था इसको। देन अपन बी में आप दूसरा क्या है माइनस का 10/9 के बराबर रखो भैया जरा, तो 9 इंटू का आपका माइनस का 10/9 और स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/81 के बराबर, कोनो दिक्कत, माइनस का आपका 8 इंटू का माइनस का 10/9 के बराबर और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो भैया ये आ जाएगा कट के 9 के बराबर है ना, और ये आ जाएगा 100/9 और ये आ जाएगा प्लस का आपका 80/9 और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 के बराबर। एलसीएम ले लो 9, तो कितना आ गया 100 प्लस का आपका 80 और माइनस का आपका कितना आ गया भैया ये 180 के बराबर इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया ऊपर भी 180 माइनस 180 प्लस का 180 प्लस का माइनस का 180 अपॉन में आपके 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो क्या आ गया 0/9 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करो तो 0 होगा, 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी सर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर गए, यानी सर एक रूट इसका क्या हो जाएगा, एक के की वैल्यू आपका हो जाएगा 2 और एक के की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 10/9, और रूट अगर बोलूं तो किस किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 9 के स्क्वायर माइनस का 8 के माइनस का 20 का, तो भैया यहां पर के की वैल्यू अगर अपन ये दोनों रखेंगे तो इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स में गिवन है उसका क्या आएगा भैया, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। तो मैंने बोला था क्वेश्चन में मिस्टेक जरूर है, ठीक है क्वेश्चन में मिस्टेक जरूर है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है तो ऑप्शन में मिस्टेक है भैया, चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, अगर वो वाला पहला वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन तो, ठीक है ना। तो यहां पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एंड होता है,
मेरे तरफ से। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी पॉइंट में अगर डाउट रह जाता है, छोटा से छोटा डाउट भी रह जाता है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दूसरी बात कि आप मुझे कहां बता सकते हैं भैया, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन करें एंड आप वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि काफी इंजॉय किया आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काफी अच्छे से पढ़ा, काफी अच्छे से समझा, काफी अच्छे से सीखा, ठीक है। तो अब आइए एंड करते हैं, और एंड करते करते आइए कुछ दो चार लाइनें सुन के जाइए। क्या है भैया, एक लाइन ऐसा कुछ लिखा है मैंने, बहुत जबरदस्त लाइन है और बहुत गहराई वाली लाइन है, प्लीज सुनिएगा और आनंद लीजिएगा, है ना। इसका मजा आए तो बस दुआएं दीजिएगा। क्या बात है सर, एकदम शायर हो गए आप तो आज। ऐसा कुछ नहीं है, चलो आप देखो यहां पे क्या बोला मैंने, क्या लिख रहा हूं कि छोड़ दो उस बेवफा का उम्मीद। आहा हा हा, क्या बात है सर, बेवफा क्या बात है, किससे धोखा मिल गया। छोड़ दो उस बेवफा का उम्मीद, क्योंकि जो तुम्हें रुला सकता है वो तुम्हें भुला भी सकता है। क्या बोला मैंने कि छोड़ दो उस बेवफा का उम्मीद, जो तुम्हें रुला सकता है वो तुम्हें भुला भी सकता है। तो इसलिए बोलता हूं हमेशा कि मैथ से प्यार करो। तो एक ये रहा, और एक और जबरदस्त सा लिखा है मैंने, ये लिख सुन लीजिए, वक्त वक्त ये भी बीत जाएगा, वक्त ये भी बीत जाएगा। जो आप सोचते हो ना कि भैया वक्त ही नहीं बीत रहा, कब टेंथ खत्म होगा, ये भी बीत, सभी सभी सब सब चीज बीत जाएगा। तो यही लिखा है कि वक्त ये भी बीत जाएगा, फिर नया सवेरा आएगा। वक्त ये भी बीत जाएगा, फिर नया सवेरा आएगा। तू रख हौसला और कर मेहनत, तू रख हौसला और कर मेहनत, तू जो जो सोचा है वो हर एक चीज सत्य होता जाएगा। तू रख हौसला और कर मेहनत, जो तू जो जो सोचा है वो हर एक चीज सत्य होता जाएगा। तो प्लीज कभी हार ना माने, है ना, कभी रुके ना। और एक एक बहुत ही जबरदस्त है, सुनोगे क्या, संभाल लोगे, एक बहुत जबरदस्त है, लास्ट लास्ट जाते जाते संभाल लोगे ना इसको, पक्का पक्का संभाल लोगे, खो मत जाना ख्यालों में। चलो देखो क्या है, बारिश तो बादलों से होती है, बारिश तो बादलों से होती है, आसमां में क्या रखा है। क्या बात है सर, बारिश तो बादलों से होती है, आसमां में क्या रखा है, आग तो चिंगारी से लगती है, सूरज में क्या रखा है। आहा हा, क्या बात है सर, एकदम मतलब मौली बना दिया आज तो। बारिश तो बादलों से होती है, आसमां में क्या रखा है, आग तो चिंगारी से लगती है, सूरज में क्या रखा है। दिल दिल तो बेकाबू होता है मेरा कयामत में बहुत, दिल तो बेकाबू होता है मेरा कयामत में बहुत, क्यामत तो आपकी जुल्फे बिखेरती हैं, आधियों में क्या रखा है। क्या बात है, ठीक है ना। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काफी डीपली जाके अपन ने इस क्वाड्रेटिक को खत्म किया, इसके खुशी में ये सब चल रहा है, ठीक है। एक और जबरदस्त बहुत आया है, एक बहुत, बारिश बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, उस पर भी एक दो लाइनें अर्ज करते हैं, अर्ज करते हैं, इरशाद इरशाद कर देना ऐसे पसंद आए तो। कभी बेपना बरस पड़ी, कभी बेपना बरस पड़ी, कभी गुमसी है, क्या बात है क्या बात है। कभी बेपना बरस पड़ी, कभी गुमसी है, ये बारिश भी आज तुमसी है। ओहो क्या बात है क्या बात है। चलो चलो तो चले चले अब चले अलविदा कहते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और लास्ट मोटिवेशनल एक सुन लो, मोटिवेशनल एक सुन लो, मोटिवेट रहो हमेशा। लहरों को शांत देखकर यह ना समझना समंदर में रवानी नहीं है। ओए बाबू, लहरों को शांत देखकर यह ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, समझ गए, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तो चलो यार इसी के साथ अपन अलविदा कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काफी जबरदस्त तरीके से अपन ने खत्म किया, और समंदर को शांत देख के और लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि रवानी नहीं है उसमें, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, जोश से उठेंगे, हौसला से उठेंगे, कॉन्फिडेंस से उठेंगे, क्योंकि हम सर हैं आपके स्टूडेंट, आपके पढ़ाए हुए छात्र।
तो मिलता हूं बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट के साथ, नया चैप्टर, नया आपका चैप्टर कौन सा आने वाला है उसको अनाउंस करूंगा, उसको आके मैं बताऊंगा। और अपन ने तीन चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन चैप्टर को अपन ने कवर अप कर दिया है ना, और काफी कम समय में, काफी कम टाइम में अपन ने इसको कवर अप किया और इतने डिटेल में कवर किया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने भी काफी साथ दिया, काफी अच्छा से समझा, अच्छा से कंसेप्ट को डेवलप किया है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए क्या, एक और जबरदस्त है, एक 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 एक, एक और उसके बाद से अलविदा लेते, ठीक है। एक और बहुत जबरदस्त है, ये भी सुन लो, सुन ही लो, सुन लो भाई, नहीं तो बोलोगे कि क्या सर, क्या ही सर, क्या ही आप, मतलब क्या मत सुना दिया आपने, तो एकदम मजा ही आ गया, खामोश। सुबह शाम सुन लो, सुबह शाम तुम पूछ लेना सुबह से, तुम पूछ लेना सुबह से, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं बे, किसी और के लिए मत समझ लेना, ठीक है। और सुबह शाम चल रहा है, बहुत गहराई वाली है, इसको भी संभाल लेना। तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से, तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है बस तेरे नाम से। आहा, क्या बात है सर। तो चलो यार, आई होप कि आई सब जो अपन ने शेर व शायरी किया, ये पूरे क्वालिटी के क्वेश्चन काफी जबरदस्त माहौल से खत्म किया, आपको पसंद आया। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ, अभी के लिए इतना ही, बबा टेक केयर एंड जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके अद्वैत एजुकेशन के चैनल के नाम के बारे में सभी को बताएं, सभी को समझाएं, बोले कि मैथ्स यहां पढ़ाया नहीं बल्कि फील कराया जाता है, हर एक फैक्टर को आपको काफी अच्छे से एनालिसिस काफी अच्छे से बताया जाता है। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक नया चैप्टर के अनाउंसमेंट के साथ, अभी के लिए इतना ही, बबा टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।